अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। नेरुल में आगरी कोली महोत्सव की धूम, नागरिकों को लुभा रहा सांस्कृतिक मेला। मैदान में शुरू आगरी कोली महोत्सव की धूम मची है। यहाँ पारंपरिक आगरी कोली लोक गीतों की धुन पर कलाकारों का प्रदर्शन नागरिकों को खूब लुभा रहा है। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच खान पान का स्टॉल, वस्त्र परिधान एवं सजावटी सामानों की प्रदर्शनी और मीना बाजार इस महोत्सव का आकर्षण बने हुए हैं। कलाकार और दुकानदार दोनों आगरी कोली महोत्सव को कला का प्रदर्शन एवं कारोबार का अच्छा अवसर मान रहे हैं और नगर सेवक नामदेव भगत की सराहना कर रहे हैं। नामदेव भगत जी का तो मैं पहली बार से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि मेरा भी थर्ड साल है, मैं तीसरी साल यहाँ पे परफॉर्म कर रहा हूँ। यहाँ पे लावणी महोत्सव होता है, लावणी महोत्सव में एज अ परीक्षा करके मैं काम करता हूँ और मेरे पास एक जिम्मेदारी जो बहुत बड़ी दी जाती है वो जो है आज का दिन जो हम लोग कोली और लावणी परफॉर्म करते हैं वहाँ पे। सो बहुत अच्छा लगता है नामदेव भगत जी ने जो ये महोत्सव अरेंज किया है वो
तो बेहतरीन है। सो इसके लिए हम बहुत सर शुक्रिया करते हैं। डेफिनेटली अलग है क्योंकि हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम में परफॉर्म करते हैं, लेकिन इसका अलग ये है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रांत के लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत सारा मेला लगता है, और इस मेला में सबसे अनोखा मजा आता है वो है लावणी और कोली की। सबसे बेहतरीन चीज़ है कि नवी मुंबई का सबसे बड़ा मेला माना जाता है ये, और यहाँ पे बहुत सारे खिलौने रहते हैं बच्चों के लिए, फिश रहता है, और फूड फेस्टिवल जैसे फूड फेस्टिवल जैसे बनाते हैं वैसे फूड फेस्टिवल रहता है यहाँ पे, और बहुत सारे मनोरंजन के कार्यक्रम यहाँ पे पेश किए जाते हैं, तो इस कारण में बहुत अच्छा लगता है। मैं यहाँ पे मीठा पान का मैं स्टॉल लगाया हूँ, और चॉकलेट पान है, मगई मसाला है, शाही मीठा मसाला पान आएगा, अफलातून मसाला पान आएगा, फायर पान आएगा, बनारसी मीठा, कलकत्ता मीठा पान, हम लोग बहुत सारे ऐसे मीठे पान बनाते हैं जो मुखवास है। इसमें औरंगाबाद का बोले तो हम लोग मसाला बनाते हैं सर, बाकी पान जो है वो बनारसी और मगई आएगा और कलकत्ता आएगा, बाकी ये तीन पान के अंदर अपन जो चाहे अपन मर्जी से, आपको जो फ्लेवर चाहिए पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, रोज़, वैनिला, ये सब आप बना सकते हो उसके ऊपर जो आपको पसंद हो गए। पान की खासियत ये है, इसको कैसे ज़्यादा देर तक के चबा नहीं सकते अपन, वो खुद मेल्ट होएगा, हमारे पान की खासियत यह है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे मतलब आके, क्योंकि मेरा यहाँ पे दूसरी बार आया हूँ मैं, दूसरे साल है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे काम करना भगत सर के साथ में। खिलौने में है जैसे भी गाड़ी है, खेलनी है, और इसमें आइटम गुड़िया है, मेले में अच्छे लगे, खाने पीने का खिलौना लगा अच्छा, और पालना है, इधर लगा रहे हैं 4 साल से, ये मेले अच्छा लगा हमको, यहाँ धंधा भी अच्छा है, सेल भी अच्छा है। यह मेला 14 दिनों के लिए आयोजित किया गया है। छठवें दिन यहाँ हजारों की संख्या में आगंतुकों ने सांस्कृतिक महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने आयोजन की तारीफ करते हुए कहा कि नए वर्ष पर दूर जाने की बजाय उन्हें अपने शहर में ऐसे सांस्कृतिक मेले को देखने का मौका मिल रहा है जिसकी उन्हें खुशी है। अरे मेला तो मैं बहुत सालों से 10 साल से देख रहा हूँ, तो मेला जो है बहुत अच्छा ही होता है हर साल, इस बार भी बहुत मजा आया हम लोग को, और हम चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही हो और इतना ही मजा मिले हम सबको। और इस बार तो एक बात है कि हर साल देखते हैं कि भीड़ थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन इस टाइम जो है भीड़ जो है ज़्यादा ही है, लेकिन जो आने का जाने का रास्ता है वो थोड़ा क्लियर स्पेस ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए और अच्छा लगा। और देखे तो खाने पीने का भी बहुत कुछ है यहाँ पे अच्छा है खरीदने, बच्चों का जैसे कि यहाँ पे गन शूट किया, इसमें हमको बहुत मज़ा आया और इसमें हमको प्राइज़ भी मिला। बहुत ही अच्छा आदमी है, हम जानते हैं छोटे बचपन से यहीं पे है, तो हम उनके बारे में बहुत जानते हैं, मिले भी है कई बार, जैसे कि यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पे भी है, तो बहुत अच्छा आदमी है। हम बोलना चाहते हैं कि और अच्छा करे, नेहरुल को और अच्छा खूबसूरत बनाए, साफ सुथरा बनाए। यहाँ पूरा स्टाइल है, दुकान है, और साल में आता है एक बार, तो हम लोगों को भी अच्छा लगता है, पूरा घूमने के लिए भी अच्छा है, और पूरा फैमिली आता है, सबसे अच्छा पूरा खाने को पूरा सामान मिलता है, पूरा मछली वगैरह नया नया मिलता है, तो अच्छा लगता है। मतलब जितने अपने भारत देश के लोग हैं यहाँ निबम में रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लगता है। नामदेव भगत साहब बहुत अच्छा आदमी है और हर साल करते हैं, वो अपने तरफ से करते हैं, और हम लोगों को भी अच्छा लगता है। एक हफ्ता 10 दिन मेला रहता है। मैं चेंबूर में रहता हूँ, मेरा दोस्त यहाँ पे रहता है, इसने मुझे बुलाया था, मेले में इन्वाइट किया था, तो मैं इसी घूमते घूमते आ गया, मज़ा आया, अच्छी जगह है, और बेस्ट एक्सपीरियंस तो यही था हमारा, फायर पान पहली बार खाया, डर लग रहा था बट अच्छा लगा, मज़ा आया, खाना अच्छा लगा, खाना और झूला अच्छा लगा। तो 2 साल से आया, पिछले साल आया था और आज इस साल आया। इथं आल्यावर एकदम गावच्या यात्रेची आठवण येते, एकदम गावाला आल्यासारखं वाटतं, काहीतरी वेगळंच वाटलं जरा आपल्या रेग्युलर पेक्षा काहीतरी। ब्युरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।